अतिरिक्त भेट संख्या ऐसी लग रहा था कि इतनी अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है आसिफ भाई मगर चले तुम्हारे मन में जकर रहे उलही रहे बोलिन कैसी बात सिल रहे काला गलत हो गया मेल ऑनलाइन गाना था है ना तो एक जन को मेडल दीजिए एक जन को रिबन दे दीजिए था और मनोज भैया की टीम ने भी बहुत अच्छा किया मेरी टीम ने भी बहुत अच्छा किया पर ये होता है कि किसी दिन किसी का दिन होता है आज निश्चित रूप से उनके जो टीम का दिन था उन्होंने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े उन्होंने बहुत अच्छा फील्डिंग किया और हमारी टीम से कई कैच मिस हुए और हमको आप सब जानते हैं कि अगर कैच छोड़ेंगे तो आप मैच छूट जाएगा तो हमारी टीम ने जो कैच छोड़ा उसके वजह से हम मैच से बाहर हो गए या हम रनर अप हुए नहीं तो अगर हमारे टीम के जो बच्चे थे एक दो कैच पकड़ लिए होते तो ये मैच हमारे हाथ में संकट मोचन के तौर पे कल आप आदित्य को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे लेकिन आज सफल नहीं दिखे नहीं उसने दबाव था उसने अपना काम किया क्योंकि चूंकि जिस समय पे वो गया है ग्राउंड पे बहुत मुश्किल घड़ी थी फिर भी उसने पूरा प्रयास किया पर जो मनोज भैया की टीम है वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो लोग कि उनको मारते हुए रन निकालते हुए पिच पे बने रहना वो बहुत कमाल की बात थी पर हमारा जो उदय तिवारी है हमारे मनोज भैया का भतीजा उसने इतनी अच्छा कैच पकड़ा विकास की गेंद पे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे बैट्समैन हैं तो आप लास्ट तक रहेंगे एक अच्छा बॉलर आएगा एक अच्छा फील्डर आएगा और आपको पवेलियन वापस आम्रपाल जी कहना कि एक अच्छा टक्कर था करीब में थी आखिरी गेंद तक सस्पेंस बना रहा था सभी के चेहरे सूखे हुए थे क्या कहना चाहिए क्रिकेट एंटरटेनमेंट का गेम है और आई एम श्योर सब लोग बहुत एंटरटेन हुए लास्ट बॉल तक हम लोग को पता नहीं था कि कौन जीतेगा और हमारे सोनू जी को जाके और कंफ्यूज कर दिए सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का मार के और उम्मीद बढ़ा दी उन्होंने लेकिन कोई बात नहीं लाइन से पहले सबसे ज़्यादा सीनियर रवि भैया है सबसे पहले उनकी टीम ट्रॉफी जीती दूसरी बार मनोज भैया जीते अब तीसरी बार निरहुआ 11 जीतेगा बात करें मनोज तिवारी जी ने टीम को प्रोत्साहन के लिए कई जो है इनाम सबको दिए क्या कहना चाहेंगे अच्छा है वो हमेशा ऐसे करते हैं और ये चीज़ करने से प्लेयर्स का मनोबल बहुत बढ़ता है उनको और ताकत मिलती है अच्छे से खेलने का मन करता है अगली बार वो प्रैक्टिस के लिए और तैयार होते हैं तो उनका बहुत हौसला बढ़ाते हैं मनोज जी और हम लोग थैंकफुल हैं इसके लिए दिनेश जी बात करें मधुबेन राय जी इन्होंने कहा कि देश के बाहर विदेश में भी अपना BIPL होगा अब कतर में उन्होंने कहने का आह्वान किया क्या कहना चाहेंगे जी हम लोग का प्लान इसी बार था इस बार हम लोग करने वाले थे क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे कतर में हम लोग शो में गए थे तो वो लोग रेडी थे कि आप आइए आपका फाइनल मैच यहाँ होगा सारा अरेंजमेंट हम लोग करेंगे पर इस बार इसलिए हम लोग नहीं जा पाए कि कुछ पासपोर्ट का इशू था तो सबके पास पासपोर्ट नहीं थे तो इस बार नहीं हो पाया पर अगला फिनाले निश्चित रूप से कतर में होगा और उसका आप लोग सीधा प्रसारण देखेंगे ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया बहुत आशीर्वाद दिया जो लोग ग्राउंड में हैं वो ग्राउंड में और जो लोग टीवी पे देख रहे हैं वो टीवी पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि और हम लोगों ने भी कोशिश किया है कि आप
बिल्कुल बोर ना हो, आखिरी देर तक आपको हमने टीवी पे बैठा के रखा है कि आप देखिए, आप बता नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जैसे हम अपनी फिल्मों में आपको आखिरी तक बैठा के रखते हैं, वैसे ग्राउंड में भी जब भी आप आएंगे हमारा मैच देखने आखिरी तक बैठा के रखेंगे, यही वादा करते हैं आपसे। अमरपाली जी, सिंगिंग की बात हो तो अभी जो है जो सर की पहला गाना था निरहुआ सटल रहे, उसको आपने गाया था चैनल पे, तो एक बार ऑडियंस के लिए दो लाइन। नहीं, वो तो मेडल के लिए गाया था, चिल्ला चिल्ला के जियो निरहुआ, अरे खेल टाइगर, ये सब बोल बोल के आवाज ऐसी बैठी हुई है कि अगर मैंने गाना अगली बार गा दिया तो फिर सब बेहोश हो जाएंगे। देखिए, मेरा तो गला बैठा होगा तो भी मुझे गाना पड़ेगा, बहाना चलेगा नहीं, वैसे मैं बहुत चिल्लाया हूँ फिर भी। अरे दुलही रहे बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे, मगर चाहे सोमार जाके डटल रहे, दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। मैंने डांस कर दिया। भैया इसी पे जो है निरहुआ सटल रहे, आपकी फिल्म भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म? भैया मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी फेसबुक पे या लाइव में जाता था थिएटर्स में, तो मेरे जो दर्शक हैं उनसे मैं बातचीत करता हूं, तो मुझे एक चीज़ की कमी लग रही थी भोजपुरी सिनेमा में, एक ही तरह का सिनेमा देख के लोग थक गए हैं, एक ही तरह की कहानी देख के लोग पक गए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा इसमें बदलाव लाया जाए, एक अच्छी कहानी, कुछ ऐसी कहानी लाया जाए जो आज तक भोजपुरी सिनेमा में किसी ने सोचा ना हो कि इस सब्जेक्ट में भी फिल्म भोजपुरी में आएगी। तो हमारे एक बहुत अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं मोहसिन खान, जिन्होंने अभी नया नया अपना डायरेक्शन का कोर्स करके आए हैं और बहुत अच्छा उनको ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई और वो कहानी सुनने के बाद हमको लगा कि ये कहानी है जो जब ऑडियंस देखेगी तो उनको लगेगा कि यार कुछ नया आया है, कुछ नया भोजपुरी में आया है, और होली में हम लोग लेके आ रहे हैं। तो जब कहानी बहुत नई थी, तो जब टाइटल की बात आई तो उन्होंने ही कहा, डायरेक्टर ने ही कहा कि आपका सबसे बड़ा हिट एल्बम था निरहुआ सटल रहे, तो मैं चाहता हूं कि उस फिल्म का नाम रखा जाए निरहुआ सटल रहे। कहानी तो बिल्कुल नई लेके आ रहा हूं, पर टाइटल ऐसा हो जिसको हमारी ऑडियंस जानती हो। तो होली पे आप देखिएगा, आपको भी लगेगा कि भोजपुरी में एक नई कहानी लेके हम लोग आ रहे हैं निरहुआ सटल रहे, और होली आपकी बन जाएगी, आप खुश हो जाएंगे कि भोजपुरी में इतनी बढ़िया फिल्म बनी है। थैंक यू, थैंक यू। बात करें, आज मनोज तिवारी 11 टीम जीत गई, और आप एक अभिनेत्री होते हुए भी आपने बहुत अच्छी एंकरिंग की, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि एक साल का भी करियर नहीं हुआ मेरा, अभी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, उससे पहले ही मुझे भोजपुरी के तीनों स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। एक नई लड़की नई शुरुआत जो कर रही है, एक एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है कि तीनों खान, मतलब तीनों स्टार भोजपुरी के तीन रत्न के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। और मनोज जी को ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत टफ कंपटीशन था, तीनों ने बहुत अच्छी तरीके से खेला, और इस सीज़न को होस्ट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बात की आपकी भी रिलीज होने वाली फिल्म, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, मेरी टकराव रिलीज़ हो रही है नेक्स्ट मंथ, और हम यहाँ के पैकअप के बाद ही 26 को हम झारखंड जा रहे हैं हर हर महादेव की शूटिंग के लिए, वो भी रवि किशन जी के साथ। तो आप लोग मुझे दुआएं दीजिए कि मेरी फिल्म पसंद करें लोग, BIPL वाली पायस की फिल्में। तो बस दर्शकों से निवेदन है कि यूं ही प्यार बनाए रहें। वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे बहुत प्यार दे रही है, एक नई लड़की को इतना काम करने को मौका मिल रहा है, इतनी अलग अलग फिल्में की, इतना अलग अलग किरदार निभाया मैंने फिल्मों में, और यहाँ पर एक अलग किरदार एंकर का किरदार, और मुझे क्रिकेट मैच का ए भी नहीं आता, मतलब सी भी नहीं आता, और मैंने यहाँ मेरे दो होस्ट थे बहुत अच्छे अच्छे, उनके हेल्प से मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत अच्छी फीलिंग है। बात करें मैम, जो है कि हर हर महादेव की बात आती है तो रवि किशन जी का नाम अनायास ही जहन में उभर आता है, और उनके साथ आप स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, क्या कहना, कितना एक्साइटेड हैं और क्या कहना चाहेंगे? तीन दिन मैच हुआ, रवि किशन जी के साथ मेरा काफ़ी बातचीत हुई, तो अभी हम काफ़ी जो हेजिटेशन थी शूट से पहले वो ख़त्म हो गई है, तो अब काम करने में थोड़ा अच्छा हेल्दी फील होगा, और कंफर्ट जोन मेरा बढ़ गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हर हर महादेव से शुरुआत कर रही हूँ रवि किशन जी के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बात करें आज यहाँ ग्राउंड में एंकरिंग की, तो एंकरिंग में जो आपके साथी थे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ
सुर में सुर मिला रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो मतलब मैं सोचती नहीं हूँ, वो बोल देते हैं। मैंने उनको बोला यार थोड़ा सा मुझे भी मौका दो, मुझे बताओ मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे क्रिकेट का कुछ नॉलेज नहीं है। एक्ट्रेस होने के साथ फिर एंकरिंग, तो उन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। और सोच रही हूँ कि उनमें से एक जन यहाँ भी है, उनमें से एक जन मेरे साथ है, इमरान अरमान अरमान जिन्होंने मेरा बहुत 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 साथ दिया, बॉलिंग का, पिचिंग का, हर चीज़ मुझे बताया, बोला ये बोलिए ये बोलिए। तो थैंक यू अरमान, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे दूसरे एंकर भी, पायस पंडित जी ने जिस तरह से काम किया, एक प्रोफेशनल एंकर की तरह से उन्होंने काम किया, जब भी उन्हें पिच के बारे में बात करनी हुई या प्लेयर्स के बारे में बात करनी हुई, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। आशीष पांडे जी भी शायद मेरी इस राय के साथ ज़रूर सहमत होंगे। मतलब एक रॉ, मतलब कहते हैं ना कि नई थी एंकरिंग के लिए और कुछ खासा जानकारी नहीं थी उन्हें क्रिकेट के बारे में, लेकिन जो उनके मन में डर भी था पहले दिन जब आई थी, लेकिन जो उत्साह इन्हें, ऐसा ये बोल रही कि हमसे जो उत्साह इन्हें मिला वो काबिले तारीफ थी, ऐसा ये बोले। हम तो सिर्फ बोलते जा रहे थे और हमसे इन्होंने कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीखा, इतना मोटिवेट किया नई लड़की को, मतलब ये बोलो आप, ये बोलो, वो बोलो, चांस दिया। थैंक यू सो मच। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि कल को ये बहुत बड़ी स्टार बन जाए, एक्ट्रेस बन जाए और भीड़ में भी हमको देख के ऐसे बुला ले। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, मेरे करियर की शुरुआत में बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। एक नई चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे इन दोनों के थ्रू मिला, तो इनके करियर के लिए भी ऑल द बेस्ट। और मेरे लिए भी कह दीजिए, मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, फिल्म मैं जरूर जाकर थिएटर में देखूंगा और उम्मीद करते हैं कि आपका प्रदर्शन उसमें भी अच्छा रहेगा, जिस तरह IPL में आपने बेहतरीन कार्य यहाँ पर किया। थैंक यू सो, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।